हसल लिविंग में आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। हमारे साथ है हमारी वास्तु और फंक्शन कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावड़ा जी। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, ये वास्तु लिविंग का लाइव कॉल इन शो है। हर महीने के दूसरे रविवार को हम पल्लवी जी के साथ लाइव कॉल इन शो करते हैं और ये कार्यक्रम जो है लगभग एक घंटे का होता है, 12 बजे से लेकर के 1 बजे ईस्टर्न टाइम अनुसार। और इस दरमियान हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपके आप तमाम दर्शकों के कॉल्स ले सकें, प्रश्न ले सकें और पल्लवी जी से आपका सीधा संपर्क करा सकें। आइए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। पल्लवी जी, लेट्स टेक द कॉल्स। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हु इज दिस एंड वेयर आर यू कॉलिंग इज फ्रॉम? ओके, माय नेम इज सुभाष शर्मा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम टोरंटो। सुभाष जी टोरंटो से बोल रहे हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। क्या सवाल है सर आपका? मैं पूछना चाहता था कि मेरे बेटा है 33 इयर्स का, उसकी शादी के लिए कोई योग नहीं बन रहा अभी जी। मैं थोड़ा चाहता था कि उसके कुछ संयोग बन जाए तो हम फारिग हो जाए। जी बिल्कुल, तीन मेंबर हैं बस, एक ही बेटा है जी। सर शर्मा साहब, आप अपने बेटे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? जी हाँ, उसका नाम है मोहन शर्मा और 2nd of July 1984। जी पल्लवी जी, और फिलहाल उसकी घर में सोने के लिए जो रूम की व्यवस्था है उसकी डायरेक्शन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो कौन से दिशा के रूम में सोते हैं? रूम है वो ईस्ट वेस्ट में है, जहाँ सोता है वो, उसका हेड जो है ईस्ट में होता है। या सिर्फ ईस्ट या सिर्फ वेस्ट? ईस्ट है, ईस्ट ऐसे है ना, ईस्ट वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है ना उसकी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि रूम उनका वेस्ट में है या ईस्ट में है? वो रूम उसका जो एंट्रेंस है वो ईस्ट में है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसके अंदर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको सिंपल बात में समझा देती हूँ। आपका जो पूरा घर बना हुआ है वहाँ पे सनसेट के टाइम पे जब सूरज ढलता है और उसके पैरेलल जो दीवार के अंदर आपको रूम मिलता हो उसको वेस्ट का रूम माना जाएगा। तो उस दिशा वाले रूम में आप उसको रखें। साउथ वेस्ट की बात नहीं चल रही है, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की, उस दिशा के अंदर उसको सुलाने से। और उसके बारे में वहाँ पे कुछ तरह के खास मिरर की पोजीशन को ठीक ठाक रखने से आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बेडरूम में मिरर नहीं रखना चाहिए। वास्तु और फंक्शन में कहा जाता है कि बेडरूम में मिरर नहीं रखना चाहिए, पर कई बार शादी ब्याह की परेशानी हो, शादी डिले होती हो, तो मिरर रेमेडी से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हमने अपने 27 इयर्स की प्रैक्टिस में छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू, जैसे घड़ियों के थ्रू, मिरर के थ्रू, स्मॉल स्मॉल टिप से चीज़ों की परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप अपने रूम की पोजीशन उनके लिए वेस्ट फेसिंग सिलेक्ट करें, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। तो लगाइए। वो कह रहे हैं कि लगाने से आपको फायदा हो सकता है। हाँ, लगाने से आपको फायदा हो सकता है। शर्मा साहब, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए मिरर की? मिरर की पोजीशन जहाँ पे भी वो सोते हैं बिल्कुल बराबर उनके सामने आना चाहिए। उनके सामने आना चाहिए जी, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ऑल द वेरी बेस्ट। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हु इज दिस एंड वेयर आर यू कॉलिंग अस फ्रॉम? आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। माय नेम इज एलिस। ओके, वेलकम टू द प्रोग्राम एलिस। एंड व्हाट इज योर क्वेश्चन एंड व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ? My date of birth is 3/25/1959. Okay, all right. And so what's your question? I want to buy a laundromat business. Okay. And it fits in on the address is 8413. I'm sorry. Yeah, go ahead, please. 8414 37th Avenue. And it's facing north. बिल्कुल सही बात है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको इस तरह के बिजनेस, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड बिजनेस सारे सूट करते हैं। प्लस आपने ये कहा कि वो नॉर्थ फेसिंग है, और भी अच्छी बात है। तो आप इस बिजनेस के अंदर डेफिनेटली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। Thank you. Bye-bye. Bye. All right. We'll take another caller. Yes, you're live on air. Who is this and where are you calling us from? Yeah, hello. I'm Anita Grover calling from New York. Ji, Anita ji, welcome to the program. Kya sawal hai aapka, Anita ji? Mera sawal ye hai ki pehle main apna date of birth bata doon? Bilkul bataiye. June 10th, 1955. June 10th, 1955. All right, Anita ji, go ahead. तो मेरा ये है प्रॉब्लम कि मेरी लाइफ में आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरा घर भी बन सकेगा कि नहीं, आई एम सो वरीड, यू नो।
आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? अनिता जी, आप अकेले हैं कि? मैं अकेली हूँ, मतलब रहती माँ बाप के साथ हूँ, बट आई एम सिंगल, नॉट मैरिड। ओके अनिता जी, आप अपना अगर घर बनाना चाहते हो तो लेने की दिशा में आपको बता सकती हूँ कि वेस्ट फेसिंग होना चाहिए। अगर फिलहाल आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो तो आपके माता पिता के हिसाब से जो अभी फिलहाल का घर है वो दिशाएं उसको इफेक्ट करती होगी। अगर आप खुद का घर लेना चाहते हो तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट का ले सकते हो। और आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हुए हैं और आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने आप के साथ ही जीते हो। तो अगर आपको ये सारी अपनी जो लोनलेस, जो भी आप अपने आप को अलोन फील करते हो, ये सब समस्या के लिए आप वेस्ट फेसिंग घर में जाते हो तो वहाँ तक काफी हद तक आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और आप मेटल ग्रुप पर्सनालिटी हो, प्राइवेट हाउस से नहीं ले सकते, इतनी मेरी फाइनेंशियल साउंड पोजीशन नहीं है। आप अपार्टमेंट से शुरू करो, घर से शुरू करो, जिस घर में फिलहाल रहते हो वहाँ से वेस्ट फेसिंग अगर कोई भी रूम हो तो उसको सिलेक्ट करो, वहाँ का डोर सिलेक्ट करो। लेकिन लाइफ को राइट डायरेक्शन पे पहुँचाने के लिए एक रास्ता सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो रास्ता सही हो तो आप मंजिल तक आसानी से पहुँच जाओगे। तो मैं ये नहीं कहना चाहती है कि आप तुरंत ही जाके घर सिलेक्ट करो, इसी घर से एक छोटे से अच्छे स्टेप और राइट डायरेक्शन के स्टेप आप वेस्ट के थ्रू फॉलो करो, आप अपने आसानी तक अपनी डेस्टिनी तक पहुँच जाओगे। मतलब मुझे कभी भी घर लेना तो वेस्ट फेसिंग घर लेना, करेक्ट है ना? जी, और फिलहाल के घर में पहले वेस्ट को इम्प्रूव करो ताकि वो ऑप्शन बढ़ जाए। अनिता जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ऑल द वेरी बेस्ट। फोक्स, विल टेक अनदर क्विक ब्रेक ओवर हियर एंड वी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। कंटिन्यू वॉचिंग लाइव एडिशन ऑफ वास्तु लिविंग।